नेटवर्क का नारा है एसएमसी कपिल देव हमारा है। जी हाँ गाइस, अगर आपको पाई से रिलेट कोई भी अपडेट चाहिए, ऐसी कोई अपडेट मैं जाने नहीं देता। जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको तुरंत मिलती है। मतलब पाई से रिलेट कोई भी अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। तो हे गाइस, मेरा नाम है एसएमसी कपिल देव। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज अगर मैं पाई का अपडेट बताऊं बहुत ज्यादा शानदार है। और हमेशा से मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, पाई में एक्टिव रहें। जी हां, जितने भी वोट हैं सबको अलग हटा दिया गया है। मतलब जिन लोगों की केवाईसी नहीं हो सकती वो वही लोग बचे हैं जो वोट हैं, मतलब जिन्होंने कहीं ना कहीं से तिकड़मबाजी करके अपने बहुत सारे अकाउंट बना लिए थे। मगर रुकिए, अगर आप वोट नहीं है और आपकी केवाईसी फिर भी नहीं हुई है, तो इसके लिए एक आज बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूं। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं एक्टिव रहें, और वही आज पाई नेटवर्क कह रहा है कि अगर आप वोट नहीं है तो आपको ये स्टेप क्लियर जरूर करने पड़ेंगे। देखिए, ये स्टेप जब आप क्लियर करेंगे तो यकीनन एक वोट ये स्टेप क्लियर नहीं कर सकता, तभी आपके लिए दिए गए हैं। अगर इन स्टेप को आप क्लियर करते तो बहुत जल्दी आपकी केवाईसी आ जाएगी, अगर रुकी हुई है, स्टक है या रिजेक्ट हो चुकी है, तो आपको ये स्टेप जरूर करने चाहिए। और हाँ, अगर सब कुछ क्लियर है ना, फिर भी ये स्टेप जरूर कर लेना प्रूफ करने के लिए कि आप वोट नहीं है। तो गाइज आगे चलते हैं, सबसे पहले अपडेट के ऊपर नजर डालते हैं कि आपने क्या करना है। तो सारी चिंताओं का दर्द, सारी चीजों का एक ही इलाज है, वो है दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो यहां से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे 188,230, मतलब 200,000 क्वाइन होने वाले हैं यार, बहुत बढ़िया, लगातार एक्टिव हूं, ऐसे नहीं हो रहे हैं। तो इसमें क्या करना, देखिए अगर आप एक्टिव नहीं है तो आपने चीज करना है, जैसे ही ये नीचे पाई टू डे का ऑप्शन है यहां पर आप ओपन करते हैं। देखिए, तीन स्टेप क्लियर हैं। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपके तीन स्टेप ऑलरेडी क्लियर होंगे, जैसे डाउनलोड एंड साइन अप पाई ब्राउजर, उसके बाद है क्रिएट वॉलेट, कंफर्म अ वॉलेट। ये तीनों स्टेप यकीनन जैसे मेरे क्लियर आ रहे हैं, मेरे चेकलिस्ट ओके आ रही है, वैसी आपकी होगी। तो आगे चल लेते हैं। अगर नहीं है तो इसके लिए वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पे भी आपको मैं पिच कर दूंगा। उसके बाद क्या है, रिमाइंड मेंबर टू केवाईसी। अब इसको ध्यान से समझ लो, देखो ये आपके लिए नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूं, वो बात समझ लो। देखो यहां से मैं क्या है कि जितने भी मेरे फॉलोवर हैं, जितने भी मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करा हुआ है, उनको मैं रिमाइंडर करता हूं कि भाई अपनी अपनी केवाईसी कर लीजिए। लेकिन देखिए, जितने भी नाम आ रहे हैं, अगर इनमें से कोई आपका नाम है या आपने मेरे रेफरल से ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं आपको पर्सनली भी भेज सकता हूं। इसमें क्या, अगर इसमें स्किप हो रहा है और आपकी केवाईसी नहीं आ रही है, तो मैं पर्सनली भी आपको शेयर कर सकता हूं आपके टेलीग्राम पे, उस लिंक पे जाएंगे, आपकी केवाईसी डन हो जाएगी। राइट, अब केवाईसी रिमाइंडर हो चुका है। उसके बाद एक वॉलपेपर को मैंने डाउनलोड करना है, मैंने क्लेम करना है, तो मैं क्लेम पे जाता हूं, ये ऑटोमेटिकली आपके ब्राउजर पे डाउनलोड हो जाता है, ऊपर डाउनलोड हो गया। राइट, अब मैं एक स्टेप वापस चला जाता हूं और बैक कर लेता हूं, ये भी पूरा हो गया। शेयर पाइनेट .com, अब यहां पर मैं इसको शेयर करता हूं, तो मैं शेयर कर देता हूं। शेयर करने पे आप जब शेयर पे क्लिक करते हैं तो कभी कभी कोई कोई स्टेप ऐसे हैं जिसपे सिर्फ घूमता रहता है, लोडिंग होती रहती है, तो आप एप्लीकेशन को क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे तो आपका वो ग्रीन चेक हो जाएगा। राइट, तो अब यहां पर है रेफर प्रोग्राम टूगेदर टू डेवलपर एडमिनिस्टर प्रोग्राम। अब यहां पर क्या है, इसको सिर्फ आपने स्टार्ट करना है, मैं स्टार्ट कर लेता हूं। यहां पर आने के बाद आप एग्री कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं, दैट्स इट, आपके नाम से आ जाएगा और ये भी आपकी चेकलिस्ट क्लियर हो जाने वाली है। यहां पर भी आप क्लियर हो गए। अब यहां पर नेक्स्ट क्या है, आपने क्लेम करना है एक और सोशल फ्रेम्स को, अब इसमें भी हम कर लेते हैं, तो इसको भी ओके कर लेते हैं। ओपन ब्रेनस्टॉर्म में ओपन होता है ये, तो आप इसको ओपन कर लेते हैं। और यहां पर भी देखिए, ये भी मैंने कर लिया। अब है फीडबैक ऑन चैट अबाउट इकोसिस्टम ऐप, अब इस पे क्या है, फीडबैक देना है, तो हम स्टार्ट बटन पे क्लिक कर लेते हैं। मैं क्लिक कर लेता हूं स्टार्ट बटन पे और यहां पर ओपन चैट पे चले जाते हैं। ओपन चैट पे आके आपने फीडबैक देना, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं भी लिख देता हूं इस पे, अब मैं फीडबैक आएगा तो मेरे को लिख देना, मतलब आप पाई नेटवर्क के बारे में क्या सोचते हैं, कुछ भी कुछ अपना फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक देना है, ऐसे कुछ भी मत दे देना, तो पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। और हम चले जाते हैं नीचे और यहां पर मैं लिख लेता हूं, यहां पर आप राइट कर सकते हैं। राइट, ठीक है, आई लव पाई नेटवर्क, दो हार्ट डाल देते हैं, अच्छा अच्छा दिखे ताकि, ओके डन, ये आपका फीडबैक हो गया, दैट्स इट, इसमें कुछ नहीं करना। और अगर आपकी एप्लीकेशन स्टक होती है किसी भी स्टेप में, तो आप उसको क्या है, एप्लीकेशन को क्लोज करके दोबारा ओपन कर सकते हैं, तो आपके साथ ओपन हो जाएगा। कई बार क्या है, कई जगह बैक का बटन नहीं है कि आप एप्लीकेशन में वापस चले जाएं, तो क्या है, उसको क्या है, अपने क्लोज करना है और दोबारा से रीओपन कर लेना है ऐप।
ओके अब चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जहां पर आपने फायर साइड को ज्वाइन करना है। फायर साइड की वीडियो नहीं देखी है, फायर साइड की वीडियो में आप कोई भी कंफ्यूजन है तो ये वीडियो जरूर देख लेना। फायर साइड फॉरम की वीडियो मैंने आपको दी है कि आपको एप्लीकेशन को कैसे ज्वाइन करना है। यहां पर मैं फायर साइड फॉरम में चला जाता हूं, यहां पर जाके आपने कोई भी टाइटल देके और अपने आप को पोस्ट कर देना, अपनी पोस्ट को पोस्ट कर देना, अपने आप को नहीं। सबसे पहले आपने आना है चैनल पे, उसके बाद एसएमसी कपिल देव टैग को ले लेना है और टाइटल में आपने जो भी चीज पोस्ट करनी है आप पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूं हाउ आर यू, तो मैं लिख देता हूं हाउ आर यू माई ऑल पाई मेंबर्स, राइट। यहां पर भी हम हार्ड हैट डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, तो दो डाल देते हैं, ओके वन टू, ओके डन कर देते हैं। और ये भी क्या है, फायरसाइड फोरम पे जाके पोस्ट हो गया, मतलब आपने एक पोस्ट की है। ये भी एक चीज है, देखिए फायरसाइड फोरम एक सोशल नेटवर्क साइट है, इसको ज्यादा से ज्यादा चेंज किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा इसको अपडेट किया जा रहा है, धीरे धीरे करके अपडेट हो जाएगी, अभी ज्यादा अपडेट नहीं है। तो हम चले जाते हैं एक स्टेप बैक दोबारा से, जैसे मैंने आपको बताया मैंने दोबारा से एप्लीकेशन ओपन करी है क्लोज करके, क्योंकि कई बार क्या है बैक का बटन नहीं है। तो हम नेक्स्ट में चले जाते हैं, नीचे देख लेते हैं कौन सा स्टेप अभी रह गया है। ये 11 के 11 स्टेप आपने क्लियर करने हैं, कोई भी स्टेप आपने प्रूफ करना है अपने आप को कि आप वोट नहीं है। अब यहां पर क्या है, वोट हो चुका है, वोट मैं दे चुका हूं, तो हम चले जाते हैं नेक्स्ट पे। अब यहां पर क्या है, देखिए अब देखिए सब कुछ क्लियर हो चुका है, सब कुछ चेकलिस्ट ओके हो चुकी है। अब यहां पर क्या है, इन्वाइट करना है, अपने रेफरल देने हैं किसी को और उसको ज्वाइन कराना है। अब यह सिंपल स्टेप है, इसको आपने किसी भी अपने फ्रेंड को दे देना है, उनको बोलना है कि पाई ब्राउजर डाउनलोड कर लो। यहां पर आपका यह भी स्टेप क्लियर हो जाना है, मतलब 11 स्टेप आपके क्लियर होने चाहिए। आप दो चार स्टेप जैसे ही करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि आप बोट नहीं है। जितने हो सके उतने स्टेप को आप क्लियर कर लो। अब इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप एक्टिव रहोगे, माइनिंग का ध्यान रख लो। अगर अगले 7 दिनों तक आप अपनी माइनिंग का ध्यान रखते हैं तो जितने भी केवाईसी अभी तक पेंडिंग है वो कंप्लीट हो जाएंगे। यह मैं आपको इनसाइड न्यूज बता रहा हूं। देखिए जितने ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे उतने ज्यादा चांस है आपकी केवाईसी क्लियर होना और आपको केवाईसी का नोटिफिकेशन आना। लेकिन अगर आप उनमें से हैं कि आपने मेरे रेफरल से ज्वाइन किया और आपके पास अभी तक केवाईसी का नोटिफिकेशन नहीं आया तो मुझसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम पे जाके मेरे से कनेक्ट हो जाइए, मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, आपको नोटिफिकेशन दे पाऊंगा आपकी केवाईसी का अगर आप मेरे रेफरल से ज्वाइन है। तो ये थी पाई की सारी अपडेट। अगर आपको नेक्स्ट अपडेट चाहिए, अगर आपको पाई से रिलेट कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिख सकते हैं और यकीनन आपको जवाब भी जरूर मिल जाएगा और आपकी प्रॉब्लम का सलूशन भी आपको जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो होगी इससे भी ज्यादा शानदार और नॉलेज से भरी हुई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।